होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मैं न्यू वीडियो के साथ वापस आ चुकी हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ड्रेस कलेक्शन, समर ड्रेस कलेक्शन, और साथ में आप गर्मियों के ड्रेसेस के डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो जो है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, उसके बाद जो है लाइक भी करना है वीडियो को। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बोलेंगे नहीं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो है ना हमारा सबसे पहला ड्रेस ये है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्लेन रेड में लिया था। ठीक है, और ये इसके आप स्लीव्स भी देख लें। यार इतनी डिटेलिंग का मुझे खुद भी पता नहीं, अब मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ, वो बता देती हूँ। चलें आप बता दें। ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी स्ट्रिप्स बनाई हैं। अच्छा, ये सिंपल कपड़ा था, ये रेड थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ना कपड़ा, इस वजह से पहले स्ट्रिप्स बनाई हैं। एक साइज़ में बनानी है सारी ने, तो ये शायद हाफ इंच की हैं कि एक इंच की इतनी है। तो फिर सबसे पहले न्यूज़पेपर लिया, उसके ऊपर हमने ये नेट लगाई है, देखो नेट इसके नीचे ना नेट लगी है, ये नेट लगाई न्यूज़पेपर के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने ये स्ट्रिप्स रखते गए, एक पूरा पैटर्न तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद ये हमने स्लीव्स के साथ अटैच की और एक एक पर लगा दिया सबके अंदर, और इसी तरह। अच्छा, ये इसका जो है नेक डिज़ाइन है, ये इस तरह। ठीक है, ये क्या किया इसको ये भी बता देना, ये भी इसी तरह स्ट्रिप बनाई है ना एक। अच्छा, तो उसके साथ ही इसको ना डिज़ाइन ये ऐसे कर लिए। ठीक है, और ये इसका जो है दामन जो है बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, और ये साथ में जो है ना प्लेन कैप है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्रेस, अब हम चलते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ। हाँ जी, तो ये हमारा नेक्स्ट ड्रेस है, तो इसके मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। ये प्रिंटेड ड्रेस लिया था, ग्रे में है ये, और इसका नेक डिज़ाइन इस तरह बनाया है, ये बैन वाला ही होता है इस तरह का बी में, और साथ इसका दामन ये इस तरह, ये लेस लगवा ली और नीचे इसके साइड पे चौक पे पाइपिंग करवा ली है, और करवा नहीं ली खुद की है। और साथ ये दुपट्टा जो था ना इसके साथ था ना, तो ये टू पीस था सूट, और इसके साथ ये वाइट कलर में दुपट्टा लेके ना ये हमने डाई करवा लिया था। और इसका कैप्री जो है ना वो सिंपल ही है, और थोड़ी सी ऐसे लेस से डिज़ाइनिंग कर दी है। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारा थर्ड ड्रेस, ठीक है, और ये तवक्कल ब्रांड वालों का ड्रेस है। ठीक है, इन्होंने ये देखे, इनका ये चुनरी डिज़ाइन में ना प्रिंट हुआ हुआ है, और इन्होंने ये साथ में पैचेस हमें अलग से दिए थे, ये आप देख सकते हैं, ये अलग से थे। और ये दुपट्टा है, इसके ऊपर इसी तरह से ना ये लेस लगी हुई थी पहले से, इसका प्रिंट बहुत ही मुझे प्यारा लगा था। और इसके जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना इन्होंने हमें स्लीव्स के लिए दी थी। ठीक है, ये वाली मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, ये स्लीव्स के लिए इन्होंने दी थी, लेकिन जो है ना हमने यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा पीछे से हैवी करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, इसके स्लीव्स जो है ना वैसे ही इतना वो उन्होंने ना सॉरी वैसे इन्होंने वो चुनरी स्टाइल का बनाया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, तो ठीक है। और ये प्लेन कैप्री है साथ, ठीक है, और ये अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। अच्छा, ये जो है हमारा फोर्थ ड्रेस है, ये आप देख सकते हैं, और ये आपने इसके जो है ना सिलवट में बिल्कुल इग्नोर कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेस करके जब रखते हैं ना, ये इसका नेक डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये भी सिंपल में था, ये टू पीस सूट था। ठीक है, टू पीस सूट था, और ये जो है ना हाथ से खुद लगाए हुए हैं, ये लेस लगवा ली थी, और ये साथ में पाइपिंग। ठीक है, और ये हमने जो है ना पैच जो है ना लेके, बड़ा सा कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो लगवा लिया ये स्लीव्स पे। उसके बाद जो है ना ये मैंने जो है ना दामन पे ना थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लगवा लिया, ऐसा लगवा लिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये नीचे लेस लगवा लिए। उसके बाद जो है ना, अच्छा ये मैंने आपको बताया ना कि ये टू पीस था, और ये इसका कैप्री है। ठीक है, कट वर्क्स बने हुए हैं, ये इसका कैप्री है, और इसके ये कट वर्क्स बने हुए हैं, इतनी दूर मेरे से जाने भी नहीं हो रहा। और ये जो है ना मैंने बताया ना कि ये टू पीस था, और ये मैंने दुपट्टा जो है ना अलग से लिया, और इसके ऊपर जो है मैंने ये इस तरह से लेस लगवा ली है। ठीक है, अब रहा फिफ्थ वाला ड्रेस, और ये लाइम लाइट का है। ठीक है, ये भी टू पीस है, इसकी जस्ट शर्ट और दुपट्टा है, इसका भी मुझे दुपट्टा पसंद आया था, और ये मेरी सिस्टर ने स्टिच किया है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा कट बनवा कर ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड है ना, बिल्कुल बना हुआ, और ये हाथ से लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मेरी सिस्टर ने खुद लगाए हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इसके साथ आए थे। ठीक है, और ये इसके जो है स्लीव्स हैं, ये कट वर्क बनवाया हुआ है। ठीक है, ये स्लीव्स इसके, और ये इसका दामन है, ये आप देख लें,
ये मैंने इसका कटवर्क बनवा के और पर्ल्स लगवा लिए। अच्छा जो है ना बाजुओं पे जो पर्ल्स हैं ना वो मैंने 3 ही लगवाए थे, क्योंकि ये दामन पे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतने भी ज़्यादा नहीं हो गए थे, हो गए थे बस। ठीक है और देखने ये हमने डिज़ाइन किए, हमने आप ही ने ये खुद ही डिज़ाइन किया, मुझे तो पता नहीं है क्या है। अच्छा अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ये रहा हमारा अगला सूट। ठीक है अब ठीक है तो इसकी डिज़ाइनिंग भी आप देख लें। ठीक है और मैं क्या बोलूँ इसके बारे में यार, सिस्टर बोलना प्लीज़, क्या बताना था बताओ ना क्या था इसका डिज़ाइन इसकी। अच्छा ये भी सिंपल है। हाँ तो क्या ये देखो ना ये क्या इसको कहते हैं जिप वाला गला बनाया हमने इसका। अच्छा और इसके ऊपर ये पर्ल्स लगा दिए 3-3। ठीक हो गया। और साथ ये लेस थी इसको भी इस तरह हमने चौरस करके लगा दिए ना। और साथ और ये स्लीव्स पे लेस लगा ली और ये ना उसके बाद प्लेट्स हैं और ये इसके ऊपर नीचे ऐसे लेस लगा के और ये लगा दिया साइडों पर पाइप लगा दी और ये प्लेन साथ में इसके कैपरी है। ठीक है दुपट्टे पे भी मैंने ना इसकी ये सिंपल था बिल्कुल दुपट्टा, तो फिर मैंने इसके साथ ना इसकी पट्टी उतार के ये दिल लगाई और साथ में ये इसके टसल लगा लिए। ठीक हो गया ये आप देख लें। हाँ लास्ट वन। ठीक है और ये इसकी डिज़ाइन भी आप देख लें। ये हमने क्या किया पिंटेक्स डाले हैं। अच्छा उसके बाद ये जो हमारा कैप्री का जो कपड़ा था उसके उसके ऊपर हमने पिंटेक्स डाले हैं बारीक बारीक। अच्छा उसके बाद ये जो बटन लगाए ना इसी कपड़े के बनवाए हैं इसके ऊपर ये करवा के ये बटन लगा दिए इसके ऊपर साइडों पे लेस लगा दी नेक के। और ये ना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है लेस, ये ना उधर जाती है नहीं निकल जाती है, ये जो रिंग्स बनाए हैं ना ये निकल जाती है लेस के अंदर से। हाँ। ये बहुत बुरी है ये ना। तो ये इसका मतलब भी लगवाई हुई है ये मतलब न्यू स्टाइल आया था तब तो हमने ले ली। ये देखो ये इधर से ये चीज ये निकल गई है ये देखिए मैंने इसे निकल गया। और ये इसका कैप्री है ये इस तरह चौक बना के मैंने साइड से इस तरह बंद फिर ऊपर बटन लगा दी मैंने इसके ना साइडों पे टसल्स लगा लिए। ठीक हो गया इसका भी आप पैसा ले लें। और ये लास्ट वन था तो बस जो है ना ये थे आज के। अच्छा तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको सब ड्रेसेस की समझ आ गई होगी, जाहिर सी बात मैंने डिटेलिंग से बताई है। और जो है ना बाकी जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कि ये आप बता दो, तो जो है आपको समझ आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं कि आपको जो सा ड्रेस जो है पसंद आया है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है, आई होप कि आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करें शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो है ना सब्सक्राइबर जिन्होंने किया हुआ है ना उनका तो दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के ना चले जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें। और बस ये थी मेरी समर कलेक्शन और आपने डिजाइनिंग भी देख ली होगी। और बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।